हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सृष्टि की दुनिया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के लिए ना बहुत ही अच्छा एक फेस क्लीनअप लेके आई हूँ। जो भी फेशियल का जो क्लीनअप होता है, हमारा जो स्टेप होता है क्लीनअप का, तो वही मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, वो भी ग्रीन टी के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ मैं फेस को वॉश करके आ गई थी। अगर आप कोई भी फेशियल कर रही हैं या फेस क्लीनअप कर रही हैं, स्क्रबिंग कर रही हैं या कोई फेस पैक लगा रही हैं होममेड, या जो भी अगर आप प्रोडक्ट मंगा के लगा रही हैं, तो बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है सोप या फेस वॉश की हेल्प से। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन टी का बैग ले लिया था, उसको बहुत अच्छे से उसके अंदर का निकाल लिया है मैंने, वो बैग रैपर को अच्छे से फाड़ के। फिर मैं उसका एक बाउल ले लूँगी एंड यहाँ पे मैं एक गर्म पानी ले लूँगी। एक्चुअली मैं यहाँ गर्म पानी वाले बॉटल में ही मैंने इसको रखा था, फ्लास्क पे ही, ताकि मुझे वीडियो बनाते समय हर चीज़ मैं करूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले वो प्रोडक्ट बना लेती हूँ फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ, नहीं, आप लोग के सामने ही मैं बनाती हूँ ताकि लाइव प्रूफ आप लोग को दे सकूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको ना अच्छे से डिप कर दिया है गर्म पानी में एंड 5 मिनट तक मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा सा। एंड फिर एक कॉटन बॉल ले लेंगे, एज अ टोनर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एज अ टोनर ना ये बहुत अच्छा हमारे ना फेस को बहुत ही अच्छे से ना क्लीन कर देता है। अगर आप इसको लगाएंगे ना, अगर इसका टोनर अगर आप बना के लगा रही हैं ना अच्छे से, जैसे गर्म पानी में रख के आप फ्रिज में बॉटल में करके भी रख सकती हैं और इसको यूज़ कर सकती हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका फेयर स्किन दिखता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्किन पर कोई भी डार्क स्पॉट है, तो वो बहुत ही अच्छा आपके स्किन को ना साफ कर देगा एंड बहुत ही ज़्यादा फेयरर टाइप का दिखेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे से इससे आप टोनिंग कर सकती हैं, ये बहुत बेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टोनिंग कर रही हूँ। गाइस 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 प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर जो हमारा स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो है स्क्रबिंग का। आप लोग को तो पता ही है कि ग्रीन टी कितना अच्छा है, मतलब हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वेट लॉस में भी काम आता है, अगर आप इसको पीजिएगा तो बहुत ही अच्छा है। ये कहे तो स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली एक ना ये एंटी एजिंग फेस मास्क का काम करता है, जो मैं अभी स्क्रब करूँगी ना, ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से ना एंटी एजिंग के तरह ही काम करता है। एंटी एजिंग तो आप लोग समझ ही रही हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एज हो गया आपका 35+, तो चेहरे पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डलने लगता है तो ये आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा टाइट रखने का कोशिश करता है। इससे ना अगर आप थोड़ा सा स्क्रब करेंगे सिर्फ ग्रीन टी से ही, तो आपका नीचे जो आँख के नीचे जो डार्क सर्कल है ना, वो भी ना बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा। ओके, तो फिर चलिए मैं इसका बनाती हूँ। तो मैंने उसमें का जितना प्रोडक्ट था मैं उसको निकाल ली हूँ, जो मैं पानी में रखी थी टोनर बनाने के लिए ग्रीन टी को। फिर मैं इसमें राइस फ्लोर डालूंगी। राइस फ्लोर तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे फेस पे जितना भी टैनिंग का प्रॉब्लम होता है वो उसको दूर करता है एंड ग्रीन टी तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली इस पर एंटी ऑक्सीडेंट होता है ना। फिर मैं इसमें शहद डालूंगी। शहद भी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आप शहद के बारे में, हनी के बारे में प्लीज़ नेट पर ज़रूर चेक कीजिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा एक फेस स्क्रब बन जाता है। एक्चुअली होता क्या ना कि ग्रीन टी में विटामिन ई है एंड B2 है, तो ये विटामिन ई तो कितना बेस्ट होता है हमारे स्किन के लिए, वो आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ना एकदम हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप इसको ज़रूर लगा सकती हैं एंड इसको बहुत अच्छे से 5 से 10 मिनट तक ना स्क्रब करेंगे। देखिए, स्क्रब मैं इसलिए बोलती हूँ 5 से 10 मिनट करने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे डेड स्किन हैं एंड जो भी हमारा टैनिंग दिख रहा है, या जो भी हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह लग रहे हैं या डार्क सर्कल है, इसके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। एक तो इसमें मैंने राइस फ्लोर डाला है, जो कि राइस फ्लोर मेरा एकदम फ्लोर नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा ना दरदरापन है, जस्ट लाइक दलिया। तो उस तरीके से मैं इसको बहुत अच्छे से ना फेस को स्क्रब कर लूँगी। स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए, स्क्रब बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं भी कुछ कर सकती हैं तो आप नॉर्मल ना राइस फ्लोर से एंड उसमें हनी डाल लीजिए। हनी नहीं है तो आप गुलाब जल डाल लीजिए, गुलाब जल नहीं है तो आप मिल्क डाल लीजिए, देन मिल्क नहीं है तो आप उसमें दही डाल के स्क्रब कीजिए। लेकिन स्क्रब कीजिए, फेस बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फेस का केयर कीजिएगा ना, तो आगे अगर आपका एज भी होता जाएगा तो आपका फेस बहुत अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं बोलती हूँ। एंड उसके बाद मैं फेस को वॉश कर लूँगी एंड बहुत अच्छे से टैपिंग मोशन में इसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लूँगी। ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, 70% ड्राई करना है, क्योंकि मुझे फिर इसके बाद ना लगाना भी है एक। अभी तो पहले स्टीम ले लूँगी। स्टीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फेस के लिए, आप लोग तो जानते ही हैं। स्टीम लेने से कितना अच्छा होता है ना, हमारे जितने भी बंद पोर्स होते हैं ना, कहे तो क्लोज पोर्स जो होते हैं हमारे स्किन में, वो बहुत अच्छे से ना ओपन हो जाते हैं। डस्ट जितना होता है ना, वो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। स्टीमिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है, डेड स्किन इससे निकल जाती है, पोर्स पूरे क्लियर हो जाते हैं और जो भी है हमारे ना फेस को बहुत ही अच्छा ना एक
ऑक्सीजन मिलता है एंड सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फेस के अंदर अगर आपका बहुत अच्छा जाएगा हर चीज़ तो बहुत अच्छा है, स्टीम बहुत ही बेस्ट है। एंड जो हमारे पोर्स खुल गए थे फिर उसको बंद भी तो करना है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना फेस मास्क यूज़ करूँगी, एवरयूथ का नेचुरल एडवांस्ड गोल्डन पील ऑफ मास्क जो है, गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, ये बहुत बेस्ट है। ये 15 मिनट्स रेडियंस है, मतलब 15 मिनट में इसका ना आपको बहुत अच्छा ना एक ग्लो देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी फेशियल क्लीनअप कर रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क कहे तो फेस पैक ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक्चुअली ये क्या है कि विटामिन सी है इसमें, ये ऑरेंज का है ना, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा नेचुरली ग्लोइंग स्किन देता है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से लगा लूँगी। एंड 10 से 15 या 20 मिनट तक ये ना ड्राई होगा, वो आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आप इसको ना इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा निकाल के नहीं बता रही हूँ, खुद निकल जाएगा। देन उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिएगा या वेट वाइप वगैरह से बहुत अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा स्किन कितना अच्छा हो गया। ये 2-3 स्टेप ही है जो आप फॉलो करेंगी ना, तो आपका स्किन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस यही था मेरा फेशियल क्लीनअप, जो कि फेशियल का स्टेप होता है हमारा, तीसरा चौथा स्टेप जो भी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में भी कर सकती हैं। और स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्किन का केयर आप लोग ज़रूर कीजिए, खासकर अभी जो टीनेजर हैं एंड जो अभी मैरिड वुमेन है जिनकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए स्किन केयर इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।